कहिए, कैसे हैं आप? लाइफ स्किल्स फॉर वुमेन, आज मैं बात कर रही हूँ महिलाओं से और बता रही हूँ कुछ लाइफ स्किल्स, महिलाओं की कुछ लाइफ स्किल्स। देखिए, अगर सही मायनों में कहें ना, तो लाइफ एक चैलेंज है। लाइफ है क्या? एक चैलेंज है, और हमें हमेशा अटेंटिव होकर इसका सामना करना है, इन चैलेंजेस का। देखिए, हम कोई भी हो सकते हैं, हम एक हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, हम एक वर्किंग लेडी भी हो सकते हैं, एक डॉटर हो सकती है, एक मदर हो सकती है, एक वाइफ हो सकती है, एक बहू हो सकती है, या काम करने वाली एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो सकती है, या एक एम्प्लॉय, छोटी सी एक एम्प्लॉय हो सकती है। हम कोई भी हो सकते हैं, चैलेंजेस तो हम सभी के सामने आते हैं कि नहीं? हमें करना क्या है? हमें उनका डट के मुकाबला करना है, पूरा कॉन्फिडेंट होके मुकाबला करना है, डर से बाहर होके, डर का सामना करके इनका मुकाबला करना है, तो हमारी जिंदगी बेहतर बन पाएगी। तो हम जैसा अपनी जिंदगी से चाहते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए, इसीलिए जरूरी है कि हमें कुछ स्किल्स आए, कुछ स्किल्स की हमें नॉलेज हो। देखिए, कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिनका तो हमें पता ही होता है, मतलब हम बचपन से ही, हमें पता ही होता है, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। पर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि अगर हम सीख लें, नहीं आती तो सीख लें, तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। तो वो क्या स्किल्स हैं? ऐसे ही 11 स्किल्स मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली स्किल है डोमेस्टिक स्किल। डोमेस्टिक में देखिए, घर के कोई एक आधा काम तो होता नहीं है, सैकड़ों काम होते हैं, मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, माइंड में चल रहा होगा कि ये भी काम रह गया, वो भी काम रह गया, अरे वहां जाना था, ये करना था, होते ही हैं। पर हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो ये है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। हम जब डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना शुरू कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स, टेंशन्स बढ़ती हैं, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक काम करेगा और हमें कराना है अभी, फिर क्या होता है, मन मुटाव भी हो जाते हैं, दूरियां भी हो जाती हैं। जैसे कि एक वाइफ है, वो हस्बैंड की वेट कर रही है कि आएंगे तब मार्केट जाएंगे, वो काम पेंडिंग है। फिर एक लेडी है, वो बच्चों की वेट कर रही है, वो आएंगे बाजार से राशन पानी लेके आएंगे तो मैं खाना बनाऊंगी, क्यों नहीं खुद जाके लेके आते। देखिए, वही मैं बात कर रही हूँ कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। देखिए, या तो जो हमारे काम हैं उनको सही से मैनेज करें, सही से सबके जिम्मे लगा दें, मतलब प्रॉपर लगा दें कि ये काम आपका है, ये काम आपका है, या फिर हम खुद करें बजाय डिपेंडेंट होने के। कहीं बस वैसे हम गप्पों में, वैसे हम टीवी देखने में इतना टाइम लगा देते हैं, पर हम अपना काम नहीं करते। तो हमें डिपेंडेंट नहीं होना। हमें क्या करना है? देखिए, अगर हमें व्हीकल आती है, घर में स्कूटी है, गाड़ी है, तो हम खुद लेके चले जाएँ कि अपना सामान खुद ले आएंगे। और अगर नहीं आती तो हम कैब कर सकते हैं, या कोई रिक्शा कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चीजें ना, जैसे मैंने बोला था, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है, हमारी टेंशन को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है। तो हमें यही तो करना है, ये स्किल आनी चाहिए। या तो भाई जिम्मे लगाओ, तुम अपना काम संभालो, मैं अपना काम संभालती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर खुद करना है, डिपेंडेंट नहीं होना। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि चीज़ों को मेंटेन करने की स्किल, मतलब हमें थोड़ी बहुत रिपेयर भी आती हो, मतलब मेंटेन तभी होंगे ना जब हम थोड़ी सी रिपेयर भी कर सकें, मतलब हमें समझ हो। जैसे कि मान लीजिए कि वॉश बेसिन है किचन का, वो खराब हो गया, वो पानी उसमें रुका हुआ है, वो जा नहीं रहा, किस तरह से इसको खोलें? भाई जब तक प्लम्बर आता है तब तक हमारा सारा काम रुक जाएगा। कुछ तो हम ऐसा करें, कुछ तो हम ऐसा जानते हो कि हम उसको ठीक कर सकें, या चलिए नल का ही लीक कर रहा है, तो कुछ तो ऐसा कर सके कि उसके आने तक पानी ज्यादा वेस्ट ना हो, मतलब हम कुछ इलाज तो कर सके, छोटी मोटी ऐसी रिपेयर कर सके। या जैसे बैटरी है, इन्वर्टर है हमारे पास, इन्वर्टर तो देखिए हर घर में होता ही है आजकल, उसका पानी खत्म हो रहा है, वो पता नहीं कैसे डालते हैं, तो इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि घरेलू काम, बाहर जा रहे हैं हम, जैसे हमें स्कूटी का शौक है, या चलाते हैं हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, पर टायर पंचर हो जाए तो हमें उसकी नॉलेज ही नहीं, हम तो सड़क पे खड़े हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि कैसे चेंज करते हैं या क्या करना चाहिए ऐसे में, तो वो चीजें भी आनी चाहिए। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है टाइम को मैनेज करने की स्किल। देखिए, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेज करना। पता है क्या होता है कि लेडीज को आमतौर पर एक कंफ्यूजन रहता है, वो ये कि जो जॉइंट फैमिलीज है ना, उन लेडीज का काम तो कभी निमट ही नहीं सकता, कभी भी नहीं निमट सकता, और जो न्यूक्लियर है उनके पास तो टाइम ही टाइम है, मतलब जो एकल परिवार है, सिंगल जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं एक दो, उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है, जॉइंट फैमिली में लेडीज के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, निकल ही
सकता, मतलब ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी जॉइंट फैमिलीज देखी हैं जिसमें लेडीज़ काम भी करती हैं और अपने लिए समय भी निकालती हैं, मैंने देखा है। और मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं जो सिर्फ हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, उन लेडीज़ को टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन मतलब वो यही कहती है, हमारे पास तो समय नहीं है, हम समय नहीं निकाल पाते। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये बात नहीं है कि भाई समय नहीं मिलता, ये हम किस चीज़ को कब प्राथमिकता देते हैं हमारे ऊपर है। हम कितने सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं ये हमारे ऊपर है। हम चीज़ों को किस तरह से किस स्थान पर रखते हैं, किस जगह पर रखते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसमें ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली है तो हम बिजी हैं, मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मन से निकाल दीजिए, प्रायोरिटी वाइज काम कीजिए, प्राथमिकता दीजिए, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है निपटाते जाइए, फिर देखिए। और वैसे इस बारे में वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो डिटेल में बताई हुई है, इसलिए वो ज़रूर देखिएगा। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है, मनी को मैनेज करने की स्किल, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मनी को अपना जो हमें पता हो, मतलब बजट प्रॉपर बनाओ कि हमारी इतनी सैलरी है, इतना हमारे इनकम का सोर्स है, ये इनकम होती है हमारी, हमने कितना खर्च करना है, हमने कितना जमा करना है। ATM से अगर पैसे निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, बैंक में जाकर अगर चेक काटना है तो कैसे काटना है, या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है, कितनी करनी है, ऑनलाइन में देख लीजिए कि परचेज करनी है तो कहाँ से करनी है। कई बार तो बहुत स्कीम्स निकलती हैं सेल की ऑनलाइन भी, और कई बार जैसे हम मार्केट से सामान लेके आए वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ता मिला। तो सारी चीज़ें देखभाल के देखिए, पैसा कम खर्च करना भी एक तरह से सेविंग ही है। फिर आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट, हमारी बातचीत का तरीका, हमारी कम्युनिकेशन, ये भी एक स्किल है कि हम बातचीत कैसे करें कि हमारे रिश्ते बेहतर हों। हम बातचीत करके किसी को अपना भी बना सकते हैं और किसी से संबंध हमेशा के लिए ख़राब भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन में सबसे मस्ट क्या होता है, सुनना। हम सुने फिर हम समझें कि दूसरा बोल क्या रहा है, मतलब उसका जो वो बात बोल रहा है वो किस एंगल से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और फिर अपने विचार रखना। अगर हम बिल्कुल सोच समझ कर बोलेंगे, नपातुला बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, फिर हमारे संबंध, हमारे रिलेशन आपस में खराब हो, मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पर भी ध्यान देना, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे, चाहे कोई भी हो, देखिए फैमिली में हो, रिलेशन में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, हम किसी से बिगाड़ना थोड़ा चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते अच्छे बने। तो इसके लिए बोलचाल की स्किल बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इसमें सिक्स पॉइंट की, अपनी बाउंड्री सेट करना, कि हमारी लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा होती है ना, ये खींच के रखनी है कि किस हद तक हमने बोलना है, किस लिमिट तक हमने सहना है, किस लिमिट तक हमने बात करनी है। जैसे मान लीजिए एक लेडी है, वो ऑफिस में काम करती है, उसी की ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, वो जब भी उससे बात करता है ना, हमेशा उसको टच कर करके बात करता है। तो उसी समय उसको बोलना चाहिए कि आप प्लीज़ टच मत कीजिए, दूर रह के बात कीजिए, मतलब अपनी लिमिट उसने सेट कर रखी है कि मैंने हाथ नहीं लगवाने देना। और ये तरीका भी क्या है, ज़्यादा लिबर्टी ले गया एक दिन तो क्या करेंगे। तो इसलिए पहले ही स्नब कर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही घर पे, जैसे मान लीजिए एक लेडी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती होती है शाम को 4 बजे 5 बजे, तो तभी उसकी जो मकान मालकिन है वो आके बैठ जाती है। अब उसको मना भी नहीं कर सकती, वो भी वो बुरा ना मान जाए, पड़ोस का मामला है, मान लो ये यही कह देगी कि नहीं तुम निकल जाओ घर से, ये क्या मतलब हुआ। आप उनको आराम से पोलाइटली बोलिए, देखिए जैसे मैंने पहले बोला था ना, बोलचाल किस तरह से हम बातचीत करते हैं, कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के और अपनी बात को रखना। देखिए हम कोई संबंध नहीं बिगाड़ रहे, हम कोई उसको गुस्से में नहीं बोल रहे, बहुत आराम से समझा सकते हैं कि ये टाइम हमने बच्चों की पढ़ाई का है, टाइम टेबल बना रखा है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मैं जब फ्री होंगी मैं आपको खुद ही बुला लूंगी, फिर हम बैठ के चाय पियेंगे। अपना बात करने का तरीका होता है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी अपनी बाउंड्रीज क्या है, लक्ष्मण रेखा क्या है, हमारी सीमा क्या है। फिर आता है सेवेंथ पॉइंट कि अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहना, पता हो कि क्या चल रहा है। बहुत सारे देखिए, जैसे लेडीज के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए पीरियड्स ही है, कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, कई बार वीकनेस आ रही है, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मीनोपॉज की स्थिति आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब रुक जाएंगे।
तो ये सब चीजों की जानकारी, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। देखिए, ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या कोई वो टॉनिक बता रहे हैं, या कोई वो आयरन की दवाई बता रहे हैं, अलग-अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लेडी है, उसका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, मतलब ऊपर वो उठाना चाह रही है, ऊपर नहीं उठ रहा, फिर उसको पता लग रहा है कि ये तो फ्रोजन शोल्डर है, मतलब हमारा कंधा ही जाम हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और समय समय पर डॉक्टर से कंसर्न करना। मतलब कुछ चीजें तो, कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रेस्ट का है कि भाई सब कुछ ठीक है ना, कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। खुद उसको किस तरह से चेकअप करना है, किस तरह से टेस्ट करना है, ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में लेडीज को अवेयर रहना ही चाहिए। फिर एक पॉइंट इसमें आता है कि जो हुआ सो हुआ, लेट इट गो, ये स्किल आनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि दिल में लगा के बैठ जाते हैं कोई भी बात। देखिए, जैसे दो तरह से होती है कि पहली बात तो किसी ने कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने उसकी बात को दिल से लगा लिया, और मैं सब खाना पीना काम करना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गई कि भाई उसने कहा, मुझे दिल से लगा लिया और सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। और एक ये कि हम खुद ही बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब मैं तो कर ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए एक चीज मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं केक बनाना सीख रही हूँ और मेरा हर बारी अच्छा नहीं बन रहा, मतलब सॉफ्ट नहीं बन रहा, बहुत हार्ड हार्ड बन जाता है, तो मैं ही नालायक हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो किसी काम की नहीं हूं, इतनी सारी चीजें वेस्ट भी कर दी, तो कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है हमारे, कोई बात नहीं, हम एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, हम सबक तो ले रहे हैं, सीख तो रहे हैं कि अब इस तरह की गलती नहीं होगी। बस यही चीज है, लेट इट गो, जाने दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, दिल से लगा के नहीं बैठना, आगे बढ़िए, ये वाली स्किल। फिर आता है 9th पॉइंट, सेल्फ डिफेंस स्किल, मतलब खुद आत्मरक्षा करना आना चाहिए, वो स्किल आनी चाहिए। हम घर हों चाहे हम ऑफिस जाते हों, ये हमें दोनों दोनों तरफ ही हमें बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए। ये नहीं कि घर में बैठे हैं तो चलो बिल्कुल केयरलेस होके बैठे। घर में भी मान लीजिए एक लेडी ने कंपनी का सर्वेंट रखा हुआ है, तो ये नहीं है कि आंखें मूंद के बैठ गया, या एक काम वाली बाई आती है, वो बोलती है कि मैं तो छुट्टी पर जा रही हूँ 10 दिन की, एक आदमी को रखवा के जा रही हूँ। हाँ भाई तू रखवा जा, बस तू रखवा के जा रही है तो ठीक है। तो 10 दिन बाद वो आदमी भी सामान चोरी करके भाग गया और उस बाई का भी पता नहीं कहाँ चली गई वो, आपस में उनकी मिली भगत थी नहीं थी, क्या बात हुई, फिर कार्टर और पुलिस के चक्कर, और जो नुकसान हुआ वो अलग। इसलिए घर पे भी बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, और जहां तक बात है कि आप बाहर जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, तो जब भी घर से बाहर जाएं तो एक तो जैसे अपना मोबाइल होता है ना, वो पूरी तरह से चार्ज हो, ये ना हो कि 2 या 3% बैटरी दिखा रहा है, बस पूरी तरह से चार्ज हो, क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी कितनी भी पड़ सकती है, इसलिए फुल्ली चार्ज होके जाना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कैब कर रहे हैं, ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, इस बारे में एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, उसका लिंक भी नीचे दे रही हूँ, जरूर देखिएगा। इसमें तो ये है कि जैसे आप बैठी है किसी कैब में बैठी हो, तो बैठते ही ना फोन कर दीजिए अपने घर पर या अपने फ्रेंड सर्कल में कि हाँ भाई मैं इस गाड़ी में बैठ गई, ये नंबर है और ये ड्राइवर का नाम है, और मैं इतनी देर तक यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो ड्राइवर को भी लगेगा कि अच्छा इन्होंने मैसेज कर दिया, अब मेरे को अटेंटिव रहना है, मतलब इनको छोड़ना ही है उनकी जगह तक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, और अपने पर्स में भी कुछ ऐसी चीजें, मतलब पॉइंटेड चीजें या स्प्रे वगैरह कुछ ऐसा रखना चाहिए जो कि हमारे लिए ही बेटर रहता है, कि हम किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी कोई भी ऐसी एकदम से कुछ ऐसी बात हो जाती है, हम उसका सामना कर सकें। फिर इसमें आता है 10th पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल, यानी आपदा में देखिए प्रॉब्लम्स कभी भी कह के नहीं आती, कोई बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कितनी बाढ़ आई, कितनी तबाही हुई, या अर्थक्वेक आ जाए एकदम से, या आग लग जाए, आग लगने वाली भी घटनाएं कितनी कॉमन देखने में आई, तो इस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, मतलब इस बारे में कुछ जानकारी तो होनी चाहिए, और जहां भी मिले ना इस तरह की जानकारी वो जुटाते रहनी चाहिए। जैसे हाल ही में मैंने देखा टीवी पर जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आ रहा है, उसमें बुलाया हुआ था उनको, और वो क्या बता रहे थे कि एक पैकेट तो हमेशा ही तैयार रखना चाहिए, मतलब उसमें कपड़े हो 4-5 जोड़ी, दवाइयां हो, बिस्किट्स हो, खाने पीने की चीजें हो, एक पैकेट हमेशा रेडी रहना चाहिए कि ताकि जब भी जैसे मान लीजिए एक गांव में एकदम से इमीडिएट हो कि बाढ़ आ रही है, तो कपड़े समेटने लग जाओ, ये समेटो वो समेटो, तो पैकेट एक तैयार होगा, तो बस उसको लेके ही भागना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पैकेट तैयार रखना चाहिए। और एक चीज मैंने भी देखी थी, जैसे पिछले दिनों बहुत बार टीवी पे दिखाया, जैसे आग लग गई, तो उसमें क्या बताया कि नाक के आसपास चेहरे पर गीला कपड़ा रख लेना चाहिए,
उससे क्या होता है कि जो सफोकेशन होती है, धुआं होता है, आग का जो धुआं होता है वो अंदर जाकर हमें और नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए अगर हम मुंह ढक लेंगे, नाक ढक लेंगे ना, तो वो एकदम से अंदर नहीं जाएगा और बचाव हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वैसे इस बारे में मैंने अभी तक भी एक वीडियो नहीं बनाई, पर मैं बहुत जल्दी इस बारे में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना। तो इस बारे में भी अगर आपके पास टिप्स हो तो जरूर बताइएगा, फिर मैं वो वीडियो में जरूर लूंगी। फिर आता है इसमें 11वां पॉइंट कि एक स्किल ये भी होनी चाहिए कि हम में क्या स्किल है ये जानने की, मतलब हम में क्या टैलेंट है, हम में क्या खास बात है, इस बात की स्किल। अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। देखिए आता है आपको, आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अपना जो इंटरेस्ट है, जो हमें टैलेंट है, उसको बाहर निकालना है, उसको मतलब नियमित एक हॉबी बना के उस पर काम करना है और उसको बाहर निकालना है। कोई भी हो सकता है, सिलाई कढ़ाई हो सकती है, मेहंदी लगाना हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, कितनी सारी चीजें हैं कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते। पर इनके साथ साथ एक चीज और है कि किचन में एक डिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्ट हो आपकी। हाँ बस मैं तो ये कर ही सकती हूँ, मैं तो मतलब जैसे लोग हैं ना कि वो आपको इस नाम से जाने, जैसे भाभी जी तो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, मतलब चाय पी के तो बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है, थकावट उतर जाती है। या कोई लेडी है छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती है, या कोई लेडी है खीर बहुत अच्छे बनाती है, या कोई लेडी है वो दही भल्ले बड़े अच्छे बनाती है। अब देखिए ये सुन के तो मुंह में पानी आ रहा है। वैसे आप जरूर बताइएगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, और होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई चीज तो आपकी एक पहचान कराए कि ये जो है ना ये वो बहुत अच्छा बनाती है, तो ये होना चाहिए। तो ये तो थी 11 स्किल्स। अगर हम इन स्किल्स को अपना लेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होती जाएगी, मतलब बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा, आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और वैसे वो कहते भी हैं ना कि मोहताज नहीं है औरत, मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है पूरी कायनात की। तो अपनी वैल्यू समझिए और करिए, आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाइए, आप कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। खाली सोचने से नहीं होता, कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाइए। वैसे आप बताइए इस बारे में कि हाँ ये भी स्किल अगर अपना लें, ये भी स्किल अगर हो तो भी जिंदगी बेहतर बन सकती है, या आप क्या सोचते हैं कि हाँ जरूरत है वाकई में हर लेडी को, हर महिला को इस चीज की, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।